आवेश कि फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया कि हमें माफी चाहिए पाकिस्तान की जानिब से जो ज्यादतियां हिस्ट्री में पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर की थी, उसके लिए हमें प्रॉपर माफीनामा चाहिए पाकिस्तान से। और ये गलतियां तो हमारी हैं, अगर मुजीब साहब को हुकूमत दे देते ना ये भुट्टो साहब तो उससे हुकूमत चलनी नहीं थी, फिर इसके पास ही आनी थी, लेकिन इसने गड़बड़ करके सारा जो मसला ना खराब किया और एक इंडिया मिल गया, मक्सी पानी मिल गया उनके साथ, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। माफी किस बात की मांगी है मुझे बताएं ना आप। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। अपरा कैमन अचेन अभी बालो अच्छे आशा करी सभी बालो अचेन अमीस मैन अपरा सुमैन रिएक्शंस। तो जी आज हम बात करेंगे बांग्लादेश ने जी पाकिस्तान से जो डिमांड की है, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और कहा गया कि हम बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करना चाहते हैं, अपने रिलेशंस को बेहतर करना चाहते हैं, तो इसके बाद जी ए के अब्दुल मोमिन की जानिब से बकायदा जो है साफ अल्फाज में जो जवाब है वो दिया गया कि ये चीज़ तभी पॉसिबल हो सकती है अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से पब्लिक अपॉलोजी करे और बकायदा जो माफ़ी है वो मांगी जाए, उसके बाद ही कोई ऐसा सीन हो सकता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती के बारे में सोचे। उससे पहला ऐसा कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं है। लाइक पाकिस्तान जब तक अपने 1971 में जो कुछ किया गया बांग्लादेशियों के साथ उस सब के लिए पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी होगी, इसके बाद ही जी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन में कोई बेहतरी जो है वो आ सकती है। वेल अब यहाँ पे जी पाकिस्तान की जो पब्लिक है उससे ये पूछा गया कि बांग्लादेश जी पाकिस्तान को कह रहा है कि हमारे से पहले आप माफ़ी मांगे और इसके बाद जी आपसे हम दोस्ती करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी मैं आप लोग से ये वीडियो देखूंगी, देखते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या रद्द अमल है, क्या रिएक्शन है ये देखने के बाद। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। सो चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया कि हमें माफी चाहिए पाकिस्तान की जानिब से जो ज्यादतियां हिस्ट्री में पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर की थी, उसके लिए हमें प्रॉपर माफीनामा चाहिए पाकिस्तान से। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, अगर मुस्लिम मुस्लिम की बात करें तो फेवर कहाँ है? ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। गलतियां तो हमारी हैं, अगर मुजीब साहब को हुकूमत दे देते ना ये भुट्टो साहब तो उससे हुकूमत चलनी नहीं थी, फिर इसके पास ही आनी थी, लेकिन इसने गड़बड़ करके सारा जो मसला ना खराब किया और एक इंडिया मिल गया, मक्सी पानी मिल गया उनके साथ, कहीं उसकी वजह से प्रॉब्लम है। माफी किस बात की मांगी है मुझे बताए ना आप। माफी भी किस बात की मांगे? वो कहते हैं कि इन्होंने हमें प्रॉपर राइट्स नहीं दिए, फिर हम अलग हो गए तो हम पर गद्दारी का इन्होंने जो है वो टैग लगा दिया और आप कह रहे हैं कि इंडिया मुलव्वस था बीच में। उनको इतना दिया कि हर महीने के बाद तो सलाब आता था वहाँ, हमारा इतने पैसे खर्च होते थे बांग्लादेश में, हमने उनको सपोर्ट किया बांग्लादेश बनने के बाद। बिल्कुल उसके बाद नहीं, जब बांग्लादेश बना उसके बाद तो नहीं किया ना, जब हमारे पास था बंगला वो फिर तो हम करते थे ना, लेकिन ये सारा चक्कर हुआ उससे कि जब भुट्टो साहब ने कहा कि पता नहीं मुझे हुकूमत फिर मिलनी है कि नहीं मिलनी, उसको पीछे कर दिया, उसकी वजह से वो इंडिया साहब इंडिया आपको ऊपर चढ़ा हुआ था, इंदिरा गांधी ने स्पीच की थी कि मैं आपको खुशखबरी सुनाने वाली हूँ, तो उसके बाद ही ये सरेंडर हुआ है। सर एक बात बताइएगा, अगर हम लोगों ने उनको राइट्स दिए थे इतना, अगर उनको हम लोग सपोर्ट करते थे उनकी जरूरत ही क्या पड़ी अलग मुल्क लेने की बताएं मुझे। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इंडिया पीछे लगा हुआ था, उसकी वजह से जनाब एक मुफ्ती पानी पीछे पड़ गए, और दूसरा जो प्रॉब्लम था ना, दूसरा ये प्रॉब्लम था कि वही बात उधर ही आती है, इलेक्शन भी आती है, मुजीब साहब जीते हुए थे और बांग्लादेश कहते हैं इसमें इंडिया की कोई साजिश नहीं थी, अगर उन्होंने हमें सपोर्ट किया भी है तो हम आज बहुत अच्छी हालत में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से आगे हैं, वो हमारे से आगे हैं क्यों, लेकिन उधर आपको पता है कि उधर इंडिया उनसे मिला हुआ है जी, इंडिया जो करप्शन वगैरह आपको पता जो कुछ हो रहा है, सारे इंडिया सारे कंट्री में जा रही हैं उनकी लड़कियां लुड़कियां सब स्मगलिंग हो रही है, उसकी वजह से ज्यादा क्या हो रही है, जो वहाँ से बैग भर के जाता है उधर अरब कंट्री में लड़कियों का कहाँ से, अरब कंट्री में बांग्लादेश से आप देखें तो वहाँ
इंडिया उनपे इंडिया और एक ही है दोनों, उसकी वजह से। अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या है, बार बात है उनके बैगों में बाहर स्मगल को टिक्के को जो बुलाया था ना वहाँ से। अच्छा। अगर उसको ना बुलाया, वो कहता था कि मुझे बांग्लादेश की जमीन चाहिए, बंगाली नहीं चाहिए। उसको जब वापस बुलाया ना, उसके बाद ये सारा सिस्टम हुआ। फिर एक मुफ्ती बानी बीबीसी ने अनाउंस किया था कि बांग्लादेश को अमेरिका भी नहीं फतेह कर सकता, क्योंकि वो सारा पानी का इलाका है, सारा समुद्र इलाका है। वो मुक्ति बानी जब मिले ना साथ, उनको रास्ते का पता था, वो इंडिया से मिलके तो हमें। मुझे एक बात बताएं, अगर इंडिया बांग्लादेश मिलकर स्मगलिंग करे लड़की होगी अरब अमारात को भेज रही है, सर मीडिया पर क्यों नहीं दिखाया गया? ये हम लोगों ने अपने से क्यों लॉजिक्स बनाए हुए हैं? हमने नहीं, लॉजिक नहीं, ये बिल्कुल रीजनल बात है। आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता? बोर्ड के हमारे सारे दोस्त बाहर हैं, वो सब कुछ बताते हैं। ट्रक भर के जाते हैं, ट्रक भर के फिर वापस आते हैं। हैं जी, जब वो किसी का और एक बात बताऊंगा आपको, अरब कंट्री जो अरब वाले हैं ना। अच्छा। उनको सिर्फ दो चीजें चाहिए, शराब तो शबाब। अच्छा। बस, और उनको किसी चीज से ताल्लुक नहीं है। अच्छा। बिल्कुल, यहाँ पर प्लानिंग की कमी है और इस वक्त मुल्क के अंदर कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। जब तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी, वो अपना एक प्लानिंग नहीं देगी, उस वक्त तक हम किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि एक छोटी सी बात है कि अभी रिसेंटली आई थिंक 2 डेज बैक सऊदीया ने ये कह दिया है कि हम आपके मुल्क में रिफाइनरी जो है वो तब लगाएंगे जबकि आपका आपस में कंसेंसस होगा। कंसेंसस मीन के जितनी भी पॉलिटिकल है ना पार्टीज, वो सारे हमें लिख कर दें कि हम एग्रीड हैं। वो ना हो कि आज ये लगवा रहे हैं, कल ये आए तो ये कहें जी हम तो उसको मानते नहीं। तो वो इस बात पे भी पॉलिटिकल कंसेंसस मांग रहे हैं और फिर हमारी जो आईएमए के साथ रीशेड्यूलिंग है उसमें भी कंसेंसस मांग रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी बड़ी हाइट क्रिएट हुई हुई है, प्रेस इशू आ रहा है। अगर हम देखें तो इस टाइम जो है सिंध के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। वो चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग किया जाए। बांग्लादेश के अलावा गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, उसके अलावा हम थर्ड हाँ बलोचिस्तान की बात करें, तो ये सब जो है थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया, बहुत ज्यादा अनडेवलप एरिया, उधर ज्यादातर मिनोरिटीज रहते हैं। हम फिर क्या राइट्स दे रहे हैं? अगर हम कश्मीर को ही देख लें, हम चाहते हैं इंडिया का कश्मीर हमारे पास है जो उनके पास है, लेकिन हमने अपने कश्मीर के अंदर क्या किया? वो तो वेल डेवलप है। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी, यहाँ पे जी जो बाबा जी थे, एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, लाइक उन्होंने जो कुछ सुना और जो कि जो भी बैक हिस्ट्री में, लाइक जो भी न्यूज़ के थ्रू, लाइक आप लोगों से जैसे कि मैंने बात की कि पाकिस्तानियों को हकायक से बिल्कुल दूर रखा गया, पाकिस्तानियों को बिल्कुल अपनी हिस्ट्री का नहीं पता, और अब जो है पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता लग चुका है कि बांग्लादेश के साथ हुआ उससे बिल्कुल उल्ट हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई और बिल्कुल हकायक जो हैं पाकिस्तानियों से छुपाए गए, जो कि एक बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादती है पाकिस्तानियों के साथ, लाइक आप फुल एक गलत हिस्ट्री है जो कि पाकिस्तानियों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो यही चीज़ है जो बाबा जी ठीक है कुछ बातें कर रहे थे कि हम किस बात की माफ़ी मांगे एंड ब्ला ब्ला, जबकि मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि लाइक पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ की हैं, एक नहीं बहुत सारी, और जिसके लिए पाकिस्तान को देख करनी चाहिए, माफ़ी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है बुरी, लेकिन यहाँ पर उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान को कि जो भी उन्होंने पीछे किया वो उन्होंने वाकई में किया, लेकिन ये जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं बेसिकली किया जाता। लेकिन जी अब पाकिस्तानी अवाम जो है जान चुकी है कि बैक हिस्ट्री में जो कुछ हुआ बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई, और अब वही चीज़ पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को जिस तरह से सच्ची बात करने पे उठाया जा रहा है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म की सूरत हाल है, लाइक जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन जो अपोजिशन है लाइक इमरान खान की जो पार्टी है उसको पूरी तरह जो हर तरफ से, कभी किसी को कहीं से उठाया जा रहा है, कभी आम अवाम में से लोगों को, ठीक है, थ्रेट्स दी जा रही हैं। सो इस टाइप की चीज़ें हैं जो कि की जा रही हैं। आप लोग क्या कहेंगे इसके हवाले से? आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लाजमी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें।
ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है और व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, हाफिज़, बाय बाय।